लेकर आ गया, कहीं गड्ढा ना होगा। मैनो हाथ लगा, हाथ लगा बड़ा। सर की जगह बदल लो कोई। अरे मसाज यहाँ उजाला बनाओ। उन्नीस तारीख को चक्रपुर क्षेत्र के बूढ़ाबाग ग्राम में एक घटना हुई थी, दुखद घटना। इसमें एक व्यक्ति को वन्य जीव के हमले में मार दिया गया था। तो उसके बाद से ही वन विभाग की टीमें और हमारी जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी टीमें वहाँ पर मौके पर लगी हुई थी, और हमारे द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति भी मांगी गई थी कि हम वन्य जीव को सुरक्षित रेस्क्यू करके वहाँ से हटा दें, उस एरिया से हटा दें। तो कल लगातार ये अभियान हमारा 4-5 दिनों से जारी था, और इसके लिए हमने ट्रैप कैमरे वगैरह ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है। तो कल हमको इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिली, और हमारे द्वारा वन्य जीव को सफलतापूर्वक सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, और उसके पश्चात हमने उसको ढीला रेस्क्यू सेंटर रामनगर भेज दिया। हमारे क्षेत्र में बिलहरी और खेतीखंडा मुस्ताजर नौगाना क्षेत्र में विगत 2 महीनों से बाघों की जो है आवागमन ज़्यादा हो रहा था, और जिससे कि ग्रामीण बड़े मतलब शाम होते ही बड़े उसमें खतरे में महसूस कर रहे थे खुद को। इसलिए कई दफ़े वन विभाग को भी गुहार लगाई, और क्षेत्रीय विधायक जी हमारे भवन कापड़ी जी उनसे भी कहा क्षेत्रीय वासियों ने, तो विधायक जी के माध्यम से जो है ऊपर विभाग को ट्रैकुलाइज करने के लिए सूचना दी गई, जिससे कि ट्रैकुलाइज वाली टीम आई और पिंजरे लगाए वन विभाग ने। तो कल रात्रि में 8 बजे लगभग एक बाघ को तो ट्रैकुलाइज करके वन विभाग द्वारा पकड़ा गया है, लेकिन अभी यह पूर्ण रूप से यह नहीं सिद्ध हो पाया है कि यह वही बाघ था कि जिसने इससे पूर्व में 2 आदमियों को वहाँ पर अपना निवाला बनाया। तो हम वन विभाग से जो है इस संबंध में हमारी यह मांग है कि इसका कन्फर्मेशन दें कि यह वही बाघ था। अभी भी क्षेत्र में और बाघ मौजूद हैं, जिससे कि क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त है।